हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, ये जो सेशन लेकर हम आए हैं, इसमें आपको देखने को मिलेंगे 30 क्वेश्चन फ्रेंड। और ये जो 30 क्वेश्चन है फ्रेंड, ये जीके और जीएस से रिलेटेड है फ्रेंड, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ये आपके जीके जीएस से रिलेटेड हैं। और हम लोग एक सेशन में कितने क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड? 30 क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड, ठीक है। चलिए, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही रहेंगे। और हमारे जो भी क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स, हर एक प्रैक्टिस सेट कराएंगे और हर एक प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड, ठीक है। ऐसे आपको प्रैक्टिस सेट मिलते ही रहेंगे जब तक आप कहते रहेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए फ्रेंड, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं और उन्हीं चार ऑप्शन में से एक क्वेश्चन आपका सही है, ठीक है। तो आपको बताना है, जैसे कि पेपर में भी आता है ऐसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन दे रहते हैं। तो बताइएगा फ्रेंड्स, कौन सा राइट आंसर इसमें से सही है। ए बी सी डी में से आपको बताना है कि आगे सामाजिक न्याय का अर्थ क्या होता है। सामाजिक जो समाज में न्याय दिया जाता है किसी भी गलत काम को करने का, उसका जो न्याय मिलता है फ्रेंड्स, किसी के साथ कुछ भी गलत होता है तो उसका जो न्याय मिलता है, तो उसमें से क्या चीज़ है, आखिर सामाजिक न्याय क्या होता है फ्रेंड्स, आपको बताना है। तो इसमें से अगर बात कर ली जाए तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, मतलब कि ए, सभी को समान सामाजिक आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए। कैसे अधिकार मिलने चाहिए? सामाजिक अधिकार मिलने चाहिए, समाज में रहते हुए जो भी उनके अधिकार हैं फ्रेंड्स, और आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए। सामाजिक और आर्थिक अधिकार उनको समान मिलना चाहिए। कोई गरीब है या कोई अमीर है, ऐसा नहीं कि कोई अमीर है या गरीब है, उसका बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सभी को समान नज़रों से देखना चाहिए, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। देखिए फ्रेंड, अगर विश्व की बात कर ली जाए तो वर्ल्ड की बात कर रहे हैं फ्रेंड, ठीक है। इंडिया की बात नहीं हो रही, यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। तो कह रहा है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप फ्रेंड, कुछ द्वीप हैं जो बड़े हैं, छोटे हैं, वैसे द्वीप तो बहुत हैं। तो सबसे बड़ा ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात कर ली जाए फ्रेंड, तो ग्रीनलैंड जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है आपका, ठीक है। देखिए, अगर हम आपको थोड़ा एक दो चीज़ें पॉइंट एक्स्ट्रा बता रहे हैं। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो हमने ग्रीनलैंड बता दिया, ठीक है। जबकि सबसे बड़ा द्वीप समूह की अगर बात कर ली जाए तो फ्रेंड्स क्या होता है, तो इंडोनेशिया को माना जाता है, ठीक है। अगर समूह की बात कर ली जाए, जैसे इसमें डायरेक्ट पूछा है सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आपका ग्रीनलैंड है, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा द्वीप समूह, मतलब समूह में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आपका इंडोनेशिया हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसे संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है। मतलब कि फ्रेंड्स, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। आपको पता है संविधान हमारा काफ़ी बड़ा है और इंडिया का जो संविधान है वो सबसे ही बड़ा है ना। तो कई देशों से मिल के बना है अपना इंडिया का संविधान। तो उसमें कह रहा है कि संविधान की कुंजी, मतलब मेन क्या चीज़ है संविधान के जो आपके सात भाग हैं, तो उसमें से मौलिक अधिकार है या नीति निर्देशक तत्व है, मतलब कि DPSP है, या फिर उद्देश्य का है, या फिर मौलिक कर्तव्य है। तो इसमें से अगर उसकी कुंजी की बात कर ली जाए बच्चों, तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा उद्देशिका बच्चों, ठीक। उद्देशिका आपका जो है, देखिए अगर हम आपको कुछ चीज़ें बता रहे, उद्देशिका खूब या प्रस्तावना, ठीक है, उद्देश्य का कहिए या फिर प्रस्तावना का विचार संविधान में ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। और अगर बात कर ली जाए तो संविधान के जो निर्वचन में सहायक होने के कारण संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। किस लिए? जो संविधान के जो निर्वाचन में सहायक होने के कारण बच्चों, इसको क्या कहते हैं, इसको संविधान की कुंजी कहा जाता है। और वर्तमान में इसे संविधान का हिस्सा भी माना जाता है, ठीक है। तो चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है। अब आपको बताना कि जो भारतीय राष्ट्रवाद है उसका जनक किसे माना जाता है, इसके जनक कौन है भारतीय राष्ट्रवाद के। चार ऑप्शन आपके सामने दे ही रखे हैं, तो इसमें से आपको बताना है। तो अगर बात कर लीजिए इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला, तो राइट आंसर आपको बच्चों बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। ठीक है बच्चों, आपका पता होना चाहिए कि गर्म पंथ और नरम पंथ उस टाइम पर होता था, तो राष्ट्रवाद किस में आता है, ये आपका गर्म पंथ में आता था, ठीक है। गर्म पंथी नेता बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन शिरोल ने भारतीय अशांति का जनक भी कहा था, ठीक है। और बात कर ली जाए तो ब्रिटिश राज विरोध भावनाओं को जगाने के कारण इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहते हैं। किसे? तो बाल गंगाधर तिलक को। और अगर बात कर ली जाए, जैसे अगर पूछ लिया जाए गर्मपंथी कौन थे, तो लाल बाल पाल, ठीक है, मतलब लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से विपिन चंद्र पाल, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र निम्न राज्यों में से कहाँ अवस्थित है। देखिए, आपको बताना है कि जो थुम्बा रॉकेट क्या था बच्चों, रॉकेट का नाम बनाया गया था, थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र सेंटर कहाँ से, मतलब ये चीज़ लॉन्च की गई थी, कौन सा रॉकेट था, थुम्बा रॉकेट था, क्योंकि हर एक रॉकेट का अपना अलग नाम होता है। तो आपको बताना है कि जो थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र किस राज्य को कहाँ से अव्यवस्थित किया गया था।
आपके सामने चार ऑप्शन है बच्चों, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य से। ठीक है, केरल राज्य कहाँ पड़ता है, आपके साउथ में पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ से जो है इसको लॉन्च किया गया था इस रॉकेट को। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा निकाल दिया गया। बच्चों आपको पता होगा जो आपका संपत्ति का अधिकार है, जो मूल अधिकार है, वो उससे निकाल दिया गया है। तो आखिर ये कौन से संविधान का आपका संशोधन अमेंडमेंट मतलब कि हुआ था बच्चों, जो कि निकाल दिया गया था। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 44, मतलब बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन था आपका, जो कि इससे रिलेटेड है, आपका संपत्ति का अधिकार था। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार की सूची में शामिल था। ठीक है, और फिर क्या हुआ बच्चों, 44वें संशोधन के दौरान कब, 1978 में इसे समाप्त करके अब ये किस में आ गया है, ये आपका 300A में आ गया बच्चों। ठीक है, अब इसके लिए अलग से बनाया गया, 300A में कानूनी अधिकार के रूप में इसे शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं राइट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे, जो फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार वो किस को कौन प्रकाशित करते थे। आपके सामने ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, लाला लाजपत राय, या राजा राम मोहन राय, या फिर सर सैयद अहमद खान, या मौलाना शिबली नुमांगी। अब आपको पता नहीं मिरातुल अखबार को कौन प्रकाशित करता था, एक्चुअल में आपको इस प्रकार से बताना है बच्चों, इसमें से राइट आंसर आपको बताना है। तो इसमें से बच्चों राइट आंसर के अगर बात कर ली जाए तो इसमें से राइट आंसर की बात कर ली जाए तो इसमें राइट आंसर बच्चों आपका हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा जो है मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। ठीक है, वो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है कि किस हिंदू त्यौहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मानते हैं। ठीक है, ऐसा कौन सा त्यौहार है हिंदू धर्म का जिसे थारू लोग शोक के रूप में मनाते हैं बच्चों। ठीक है, और इन जो आपके हिंदू लोग हैं वो बहुत ही धार्मिक रूप से इसको मनाते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर क्या है बच्चों, ये सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों दीपावली। ठीक है, दिवाली जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, और जो दिवाली है ये थारू लोग क्या करते हैं, इसको शोक का पर्व मानते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य, अब आपको बतानी जो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आखिर क्या मुख्य एम था, क्या मुख्य उद्देश्य था बच्चों, इसमें से राइट आंसर आपको बताना है 9 नंबर क्वेश्चन में। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसमें से बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा डी वाला, मतलब लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। ठीक है, लोगों को क्या करना, विकास के कार्य में के प्रशासन में भागीदारी, मतलब उनको पार्टिसिपेट कराना। ठीक है, उनको उसके योग्य बनाने की वो भी काम कर सकें। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है। आपको बताना है जो पारिस्थितिकी तंत्र के जो जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है, कौन सा बच्चों उत्पादक घटक है। तो इसमें से राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा हरे पौधे। हरे पौधे क्या होते हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों में से क्या होते हैं, उत्पादक घटक माने जाते हैं, हरे पेड़ पौधे। ठीक है, राइट आंसर आपका ये हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कहा जाता है कि अच्छा बैंकर वह है जो बंधक और के बीच अंतर जानता है। अब आपको बताना है कि मतलब कहा जाता है कि अच्छा के अंतर जानता है, कौन जानता है, कहा जाता है कि अच्छा बैंकर वह है जो बंधक और किसके बीच अंतर जानता है, मतलब उसको पता है कि बंधक और किसके बीच में क्या डिफरेंस है, वह कौन जानता है बच्चों, किसके बीच में अंतर जानता है। तो इसमें आपको बताना है कि ये तो इसमें बच्चों इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा तरल संपत्तियां। ठीक है, तरल संपत्तियां राइट आंसर हो जाएगा, परिसंपत्तियां। ठीक है, बंधक और तरल परिसंपत्तियों के बीच में अंतर जानता है, उसे क्या कहते हैं, उसे एक अच्छा बैंकर कहते हैं। ठीक है, वह अच्छा बैंकर होता है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड था। बच्चों आपको इस सेशन में हर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इस 30 क्वेश्चन में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड आपको आपका इंडियन ज्योग्राफी हो गया बच्चों। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, सभी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जैसा कि पेपर में आपके आते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन की बात कर लीजिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था। अब आपको बताना है कि निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था। ठीक है, अब आपको इसमें से राइट आंसर बताना है, 12 का आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर बच्चों। तो 12 का राइट आंसर आपका बच्चों हो जाएगा लॉर्ड एमरी। ठीक है, लॉर्ड एमरी इसके सदस्य नहीं थे। ठीक है, कौन कौन थे, तो पैथिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे, और सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, ये 3 लोग थे, बट लॉर्ड एमरी नहीं थे। ठीक है,
देखिए बच्चों, अब आपको हम बता दें कि कैबिनेट मिशन कब आया था भारत में। तो अब ये आया था 24 मार्च को, ठीक है, 24 मार्च को फ्रेंड्स आया था। कब? 24 मार्च को 1946 में आया था, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। बच्चों इसमें से राइट आंसर आपको बताना है कि हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। देखिए बच्चों, आपको हमने बताया जैसे कि संविधान जो हमारा बना है सबसे बड़ा संविधान अपने इंडिया का ही है, और ये कैसे बड़ा हो गया क्योंकि हम लोग कई कंट्रियों से कुछ ना कुछ लिए हैं, ठीक है, उससे मिल के अपना इंडियन जो आपका इंडियन जो आपका संविधान है बच्चों वो कंप्लीट होता है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए फिर देख लेते हैं, इसमें से आपको बताना है कि न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश से ली गई है, ठीक है, आपको पता है कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से लिया ही गया है। तो 13 नंबर कुछ का राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, तो 13 नंबर का राइट आंसर बच्चों आपका यूएसए हो जाएगा, ठीक है, यूएसए से लिया गया है। ये देखिए यूएसए से क्या लिया गया, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा की धारणा कहाँ से ली गई, तो यूएसए से ली गई है। 14 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, जो भारतीय संविधान है अपना, भारत का जो संविधान है वो कौन सी डेट को स्वीकार कर लिया गया था, अपने इंडिया में स्वीकार कर लिया गया था। इसमें से राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है, पारित कब किया गया था, वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, है ना। चलिए फिर 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्राकृतिक प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है। आलस्य का प्रदेश किसे कहा जाता है बच्चों, देखिए बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, है ना, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि किस प्राकृतिक प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है। अब आपको बताना है इसमें से राइट आंसर क्या होने वाला है बच्चों, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा विषुवतीय प्रदेश, ठीक है, विषुवतीय प्रदेश आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर देख लेते हैं बच्चों, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का मर्म और आत्मा माना था। आपको बताना है कि जो आखिर किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का मर्म और आत्मा माना था, मर्म और आत्मा माना था। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है बच्चों, इसमें से राइट आंसर की बात कर लीजिए तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने माना था, और इनकी कल क्या है, जयंती भी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की, ठीक है, तो इन्होंने क्या माना था, इसमें इन्होंने भारतीय संविधान को मर्म और आत्मा माना था, ठीक है। चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है, यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग हर एग्जाम में आपका फ्रेंड्स बनता है, ठीक है, बहुत ही, क्योंकि बहुत ही बेसिक सा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका तो आना ही चाहिए कि यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, ठीक है बच्चों, ये कौन निर्णय लेता है, तो ये निर्णय बच्चों किसके पास होता है, तो निर्णय होता है लोकसभा के अध्यक्ष के पास में, ठीक है, स्पीकर के पास में, लोकसभा के स्पीकर के पास में ये पावर होती है, ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। अब आपको बताना है फ्रेंड बच्चों कि जो भारतीय संविधान अपना था, सबसे पहले जो भारतीय संविधान सभा की पहली जो बैठक स्टार्ट हुई थी, तो सबसे पहले बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, स्पीकर उस टाइम पे कौन थे भारतीय संविधान के सभा के, तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, ठीक है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 19 क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया। तो अब आपको एक एग्जैक्ट ये पता होना चाहिए कि 1897 ईस्वी में डेथ किसकी हुई थी, तो किसकी हुई थी, तो बाल गंगाधर तिलक जी की हुई थी डेथ, ठीक है, तो राइट आंसर आपका वहाँ से ए हो गया, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है, मतलब कि आपको देखो इनकी तीन रचनाएं इसमें हैं, मतलब इन्होंने तीन रचनाएं लिखी हैं बट एक किसी और ने लिखी है, ठीक है, तो वही आपको बताना है कि इन्होंने कौन सी रचना नहीं लिखी है, ठीक है। तो देखिए माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ ये तो इन्होंने लिखी है, हरिजन भी लिखी है और हिंद स्वराज भी लिखी है, द होली फैमिली इन्होंने बच्चों नहीं लिखी है, तो इसके साथ राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी के साथ में चला जाएगा, ठीक है। 20 नंबर वन क्वेश्चन की बात कर लीजिए, तो व्यक्तियों मतलब सूची आपको दे रखी है वन और टू, और कौन किस से रिलेटेड है एग्जैक्टली आपको ये बताना है, जी मिल्खा सिंह किस से रिलेटेड हैं, जगदीश खट्टर किस से रिलेटेड हैं, स्वप्न सुंदरी किस से रिलेटेड हैं, और राजा रविश वर्मा जी किस से चीज़ से रिलेटेड हैं, ठीक है, तो आपको देखिए बच्चों इसमें से ए बी सी डी करके बताना है। तो अब आपको बताना है कि जीव मिल्खा सिंह किस चीज़ से रिलेटेड हैं, किस गेम से रिलेटेड हैं या किस चीज़ से रिलेटेड है बच्चों, इसमें से आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, अगर आपको एक दो पॉइंट पता है ना फ्रेंड्स तब भी काम चल जाएगा, ठीक है, अगर आपको फर्स्ट वाला पता है ना, क्योंकि ऑप्शन में देखिए 4 3 1 2 दे रखा है, तो इसका मतलब है अगर आपको जी मिल्खा सिंह का पता है ना तो आपका काम चल जाएगा बच्चों, ठीक है।
आपको पता चल जाएगा कि कौन सा राइट आंसर है। तो अगर बात कर लीजिए जीव मिल्खा सिंह जी किससे रिलेटेड थे, तो ये गोल से रिलेटेड थे बच्चों, ठीक है। तो राइट आंसर आपका देखिए बी ही जाएगा, क्यों, क्योंकि और किसी में थर्ड है ही नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका बी में बी ही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आँख बंद करके हम जीव मिल्खा सिंह गोल्फ के लिए फेमस हैं, और अगर बात कर लिए जगदीश खट्टर किसके लिए फेमस हैं, ये ऑटोमोबाइल्स उद्योग के लिए फेमस हैं, और अगर बात कर लिए स्वप्न सुंदरती डांसर हैं, और राजा रवि वर्मा क्या है, ये आर्टिस्ट हैं, ठीक है, चित्रकला इनको अच्छे से आती है, ठीक है। चलिए फिर इसी के साथ देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य है, आखिर सरकार जो बाघ परियोजना बनाई है लाती है बच्चों, ठीक है, इन्होंने बनाया, आखिर इसका क्या उद्देश्य है, क्या आखिर पर रहा है इनका, तो इसमें से बच्चों आपको बताना है राइट आंसर क्या होने वाला है। तो बच्चों अगर बात कर ली जाए इसमें से 22 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, परियोजना का उद्देश्य क्या है बच्चों, क्या एम है, क्या एम्स रखा गया है, क्योंकि कोई भी योजना है उसका कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है, तभी वो योजना लागू की जाती है। तो बाघ परियोजना का क्या उद्देश्य है, तो इसमें से राइट आंसर बच्चों हो जाएगा, देखिए बाघ की आदतों का अध्ययन करना, बिल्कुल आखिर बाघ की क्या आदतें हैं, कैसा क्या रहता है उसका, कैसा क्या टेम्परेचर में वो रहता है, धूप में रहता है, छांव में रहता है, कितनी देर उसको धूप पसंद है, पानी का ठंडा गर्म, ठीक है, कौन कौन से जीव का हमला करता है, शिकार करता है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें उनका अध्ययन करना, उनकी हैबिट का जानकारी लेना, ठीक है। 20 और बी नंबर कह रहा है कि विभिन्न प्रजातियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी करना, बिल्कुल, हाँ, क्योंकि हमारे इंडिया में या वर्ल्ड में जो है बहुत प्रजाति के, बहुत स्पीसीज टाइप, बहुत ही मैनी स्पीसीज क्या हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के बच्चों जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है, बाघ पाए जाते हैं, तो उनकी जानकारी कलेक्ट करना है, ठीक है, और भारतीय बाघों को समाप्त होने से बचाना, बिल्कुल समाप्त होने से बचाना, तो राइट आंसर बच्चों आपका डी हो जाएगा, ठीक है। SEZ का पूरा नाम बताना है, SEZ का पूरा नाम क्या है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है बच्चों, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु जल संधि के समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो सिंधु जल संधि हुई थी उस टाइम पे पाकिस्तान के राष्ट्रपति आपको बताना है बच्चों कौन थे, उस टाइम पे पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे, तो ये थे आपके मोहम्मद अयूब खान, ठीक है, मोहम्मद अयूब खान थे, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है, तो गया में स्थित है, गया कहाँ है, तो बिहार में है बच्चों, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटरों में उपयुक्त IC चिप बनते तो सिलिकॉन से बनते हैं, ठीक है, तो सभी को पता ही होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर एक बहुलक है, तो किसका बहुलक है, प्राकृतिक जो आपका रबर होता है बच्चों, रबर होता है मिटाने वाली, वो किसका एक बहुलक है, तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, ये हो जाएगा आइसोप्रीन का है, ठीक है। 26 नंबर आपका हो जाएगा आइसोप्रीन। एंड बच्चों 28 नंबर क्वेश्चन की बात कर लीजिए, अगर बात कर लीजिए 28 नंबर क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बच्चों, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कि गलत है, मतलब कि देखिए जेम्स वाट जो है किससे रिलेटेड है, वाष्प का इंजन से है या नहीं है, जेल बेड ने क्या टेलीविज़न का आविष्कार किया था, ए जी वेल ने क्या टेलीफोन का आविष्कार किया था, तो अगर बात कर ली जाए डी की, तो जे परकिंसन ने क्या पेंसिलिन का आविष्कार किया था बच्चों, तो इसमें से आपको बताना है, तो सुमेलित नहीं है बच्चों। अगर देखिए बात कर लीजिए सुमेलित की और ना सुमेलित की, ठीक है, तो अगर बात कर लीजिए तो जेम्स वाट ने क्या वाष्प का इंजन का आविष्कार किया था, जी हाँ बिल्कुल किया था, तो राइट आंसर है ठीक, मतलब राइट आंसर क्या, मतलब ये सही है ऑप्शन, ए जी वेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था, सही है, वेल किस में बजती है, फोन में बजती है, जेल बेड ने क्या किया था, टेलीविज़न का आविष्कार किया था बच्चों, ठीक है, और जे परकिंसन ने क्या पेंसिलिन, नहीं, जे इन्होंने कहाँ किया था पेंसिलिन का आविष्कार, तो किसी और ने किया था बच्चों, ठीक है, पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, बहुत ही लॉजिक सा क्वेश्चन है बच्चों, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, मिसाइलों का दिए गए नामों के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अब आपको एक तरफ मिसाइल दे रखी है, एक तरफ मिसाइलों के नाम दे रखे हैं बच्चों, ठीक है, और आपको इसमें क्या करना है, मिलान करना है, तो राइट आंसर आपको बताना है। देखिए इसमें एक चीज़ देखना है, 3-4-3-2 कहानी फंस भी सकती है बच्चों, ठीक है, क्योंकि 3-2 ऑप्शन में दे रखा है और बी वाले में तो सभी में ए है, तो मतलब कि बी वाला का तो ऑप्शन ए है, मतलब कि अल्प दूरी पृथ्वी से पृथ्वी मिसाइल क्या है, तो पृथ्वी है, ठीक है, ये तो कंफर्म ही हो गया, तो इसे आप देख सकते हैं बच्चों, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा किसका राइट है बच्चों, ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं बच्चों, इसमें से अगर बात कर ली जाए मिलान की, तो मिलान की अगर बात कर लीजिए बच्चों, देखिए फर्स्ट का ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट का बच्चों क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय महादेवी
बी ए बैलिस्टिक मिसाइल किससे रिलेटेड है फ्रेंड्स? तो देखिए अगर बात कर लीजिए इस क्वेश्चन की, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका तो आ जाएगा अग्नि टू है, ठीक है। इसका क्या है बच्चों? इसका आपका अग्नि टू है, ठीक है। चलिए इसका अग्नि टू हो गया, थ्री मतलब थ्री ऑप्शन दो में है, ठीक है। अब या फिर ए होगा या फिर सी होगा, ठीक है बच्चों। और देखिए इसका बी का तो आपका वन है ये बच्चा, सी का टू होगा या फिर फोर होगा, सी का टू होगा या फोर होगा। तो बच्चों देखिए पृथ्वी से आकाश मिसाइल क्या है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बच्चों त्रिशूल बोलते हैं, ठीक है। और टैंक वेदी मिसाइल कौन सा है? तो ये नाग है। टैंक वेदी मिसाइल आपका कौन सा है? नाग है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पेट्रोलियम निर्यातक राष्ट्र संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? अब आपको बताना है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो राइट आंसर इसमें क्या होने वाला है? राइट आंसर इसमें बच्चों आपका हो जाएगा वियना, ठीक है, वियना हो जाएगा। पेट्रोलियम निर्यातक राष्ट्र संगठन कहाँ है, आपका ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपका कहाँ है बच्चों? ये आपका वियना में है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, हो गया। चलिए फिर बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको सेशन कैसा लगा? ऐसे वीडियो और पाते रहने के लिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर कोई क्वेरी है ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए फिर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।